कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ। इस दौरान 13 साल की ज्योति कुमारी ने 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया और अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक ले आई। बिहार की इस बेटी और इसके परिवार की जिंदगी पिछले 60 दिनों में पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन अब इस गांव को साइकिल वाली ज्योति के गांव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वक्त हम ज्योति के गांव में हैं। ज्योति 15 साल की वही लड़की है जो पिछले महीने अपने पिता को गुड़गांव से बिहार के सुरुली तक साइकिल से लाई थी। यह 1200 किलोमीटर का सफर था जो ज्योति ने 8 दिनों में पूरा किया। ज्योति के साहसिक कार्य के बाद वो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे 6 लाख रुपए की मदद मिली है और अब गांव में ज्योति का पक्का मकान बन रहा है। देखिए ज्योति के गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जब हम ज्योति के घर के सामने पहुंचे तो देखा वहां निर्माण कार्य चल रहा था। ज्योति की मां ने बताया कि आज ज्योति की वजह से ही उनका घर बन पा रहा है। ज्योति को 2.5 लाख रुपए कैश मिले थे, इसके अलावा अकाउंट में भी कुछ पैसा आया था। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए मिले, जो नगद मिला उसी से घर बनवा रहे हैं। जो ये काम किया ना, इसके खुशी से जो सब आदमी लोग पैसे दे सर लोग, वही पैसा से अब जो घर बना रहे, 2 रूम बना रहे। और 30 साल से हम लोग एक ही रूम में रहते थे, बेटी जमाई और 5 बच्चे एक ही रूम में रहते थे। अब ज्योति जो ऐसा काम किया तो पैसा दिए सर लोग सब, वही पैसा से 2 रूम बना रहे छत पर। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई साइकिल गर्ल ज्योति से, तो ज्योति ने बड़े ही गर्व के साथ हमें अपनी पूरी कहानी सुनाई। खाने पीने का वहाँ पे बहुत दिक्कत था, रूम से भी बोल रहा था खाली करो नहीं तो पैसा दो पहले। इस वजह से हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था और खाने पीने के लिए पैसा नहीं दे था। तो पापा को बोले, पापा भी नहीं आने के लिए तैयार था कि हाँ कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। बोले पापा चलिए ना, हम ले चल रहे हैं आपको। तो बोला ठीक है चलो, आप तुम राजी हो तो चलो। तो वहाँ पे हम 1000 में साइकिल खरीदे थे और उसको 500 रुपया दे ले और बोले आएंगे तो देंगे उस पैसा। तो हम लोग यहाँ आए, जहाँ जहाँ रुके हैं रात को, मतलब 10 बजे रुक जाते थे और 4 बजे से चालू कर देते थे चलाना। डर तो लग रहा था, थक तो बहुत गए थे। बोल रहे थे पापा को, बाबा अब नहीं होगा। फिर भी बोल रहा था चलो अब क्या करोगे, अब इतना दूर आ गई हो, अब इतना दूर से कैसे जाओगी घोर के, चलो। ज्योति ने बताया कि जब हम गांव पहुंचे तो सब हैरान थे। हमें करीब 2.5 लाख रुपए तो नगद ही मिले थे, इसके अलावा कपड़े, थर्मस, घड़ी और गिफ्ट भी मिले, साथ ही 4 साइकिल भी मिली है। इस पेटी में मेरा कपड़ा और मेरी मम्मी का कपड़ा और पापा का कपड़ा इस पेटी में, मतलब सब गिफ्ट में मिला है। और फोटो सब मिला और घड़ी सब मिला और पानी पीने वाला थर्मस सब मिला है, सब मतलब गुलदस्ता सब मिला है, सब दिया है। तो गिफ्ट में संभाल के रख दिया आपने? हाँ, सब संभाल के रख दिया। अभी घर बना रहे इस वजह से इसमें रख दिया, घर बन जाएगा तो सब निकाल लेंगे। ज्योति के पिता मोहन पासवान ने बताया कि बेटी के एक काम ने हमारा पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया है, अब हमें ज्योति के नाम से ही जाना जाता है। ज्योति अभी 9वीं क्लास में है, उसके 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन है। अब ज्योति को अपना भविष्य साइकिल में ही नजर आता है और वो साइकिल वाली रेस में जाकर नाम कमाना चाहती है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।